दोस्तों अब स्टेशन पहुंच चुके हैं कोसी। हाँ यार तू क्या मगरा है, लाइव नहीं है। कोसी पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से वृंदावन के लिए रवाना होंगे। और अब जो है चाय बन रही है, देखो यहाँ पी जा रही है, देखो चाय तैयार हो रही है। बन गई ना, बनी चाय पी लो जी मैडम जी। दोस्तों अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब रवाना हो चुके हैं यहाँ से वृंदावन की ओर। आ गए हम आपको वृंदावन में मिलेंगे, वहाँ की रूपरेखा दिखाएंगे आपको। हाईवे से निकलेंगे। हेलो दोस्तों, अब रवाना हो चुके हैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के और मिलते हैं अब आपको वृंदावन। जय जय श्री राधे, जय जय राधे राधे राधे। बोलो गोविंद कुछ तो बोलो। जय श्री राधे राधे राधे। छाता में पकौड़ी खा रहे हैं। स्टेशन ये रहा सामने, ये सामने आ जाइए स्टेशन है। और ये क्या है? रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग। हेलो, तुम किसी और रास्ते से आए भाई साहब? हेलो, ये हाईवे से हम आ चुके हैं लगभग 300 मीटर अंदर और ये स्टेशन है अजहाई। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये रोड है शाना प्लॉट का, ये भाई देख रहे हैं आप। थोड़ा सा ये जगह खाली पड़ी है, जंगल वंगल सभी है थोड़ा ये। और आगे ट्रैक्टर ट्रॉली है ये, अब देखते हैं यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है ये। वो हेमावान लेन फॉर्म हाउस काटे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये वही है। ये खेतों में पानी भरा हुआ है इस समय, आप लोग देख रहे हो जैसे कि पूरा खेत पानी से लबालब है। खेतों में पानी भरा हुआ है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 4 कैलोरीज बर्न्ड, पेस 7 मिनट्स 13 सेकंड्स किलोमीटर। गुड जॉब यू रॉक। पहुंचने वगैरह होगा, अभी हम पहुंचने वाले हैं बस जगह पे। कितना आगे है? ये सियाना गांव निकल गया। हाँ, ये सियाना गांव आ चुका है। इस गांव को हम पार करेंगे। देखो पानी पूरा भरा पड़ा है इधर, पूरा जो है लबालब। और ये आ चुका है आपका सियाना गांव, सियाना लिखाई हुआ का सामने। इसकी भी कहानी है। ये सियाना गांव है जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, जो है ये कॉलोनी कटी हुई है, लट्ठा भी लगा हुआ है, लेकिन ये पानी का समझ में नहीं आ रहा कि पानी कहाँ से आया है। गांव वालों से पूछना पड़ेगा। ये गांव अभी चल रहा है, गांव को पार करने के बाद ही लौट आएगा, जो जमीन कटी है वो दिखाई जाएगी। तो दोस्तों अभी हम सियाना गांव में हैं और सियाना गांव को हम पार कर लिया है। अब जो इससे आगे जो आने वाली साइट है वो दिखाएंगे हम आपको आगे। किस नाम पे साइट है? सियाना सिटी के नाम से द्वारका सिटी सियाना। वहाँ प्लॉटिंग हो रही है तो हम प्लॉट देखने जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है, कैसा गांव का रोड है। ये हमने सियाना का पार कर लिया है तो अब ये जो है आगे पानी छोड़ा है, बनी है अभी भी पानी, पानी जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। पानी पूरे पानी पानी दिखाई दे रहा है। ड्यूरेशन 17 मिनट्स 36 सेकंड्स, डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 6 कैलोरीज बर्न्ड, पेस 5 मिनट्स 50 सेकंड्स पर किलोमीटर। ये पानी का पता नहीं पड़ रहा कि पानी क्यों भरा पड़ा है, इसका भी हम पता लगा के छोड़ेंगे। कम से कम बैठेगी ये गांव की आबादी यहाँ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और आपको हम दिखाएंगे कि आगे स्थिति क्या है आगे वाले गेट पर। और ये हम बस अगला जो गेट है, ये जो आगे जो गेट दिख रहा है यही है प्लॉट। यहाँ 2500 प्लॉट कटिंग है यहाँ पर। अब इसमें हम एंट्री करेंगे अंदर, यही गेट है बना हुआ है इसी का। और आगे जो ऑफिस है यहाँ देखते हैं, द्वारका सिटी आ रही सामने। द्वारका सिटी प्लॉटिंग हो रही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं द्वारका सिटी सिहाना।
ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये प्लॉट है, प्लॉटिंग हुई पड़ी है यहाँ पे, प्लॉट कट रहे हैं 2,500 के करीब। और हम लोग ये प्लॉट देखने आए हैं, ये दूर दूर तक जो दिखाई दे रहा है आपको प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये सामने जो गेट है ये द्वारका सिटी सिहाना, ये ऑफिस है, गोविंद घूम रहा है सामने। ये रोड है जिसे जिस रोड से हम लोग आए हैं, सामने से आए हैं, सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इधर, मेन हाईवे है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है पूरा ये। मैडम खाट पर बैठी हैं, देसी खाट का लुक मिलेगा, ये ऑफिस है। ये जो बारिश का जो पानी है ना, इसके बारे में पूछना पड़ेगा कि ये बारिश का पानी इतना क्यों आया, ये बारिश का तो हो नहीं सकता है ना, तो अब इसके बारे में तो पता पड़ेगा कि क्या है, हो सकता है कि काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है सामने, ये वो ये हॉस्पिटल है वो सामने केडी हॉस्पिटल है। हाँ केडी हॉस्पिटल बना हुआ सामने, यहाँ से दिख रहा है सामने बिल्कुल, ये हाईवे पे बना हुआ जो केडी हॉस्पिटल है ये अजहा स्टेशन है, ये इधर सियाना गांव है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये मेन गेट है और ये मेन रोड है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये द्वारका सिटी की प्लॉटिंग है और यहाँ बहुत भारी मात्रा में प्लॉट उपलब्ध हैं, हाईवे से भी ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 3.5 किलोमीटर पड़ता है, नज़दीक अजाई रेलवे स्टेशन है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया जगह है, सीधा रोड है। मैडम आपको कैसा लगा? मैडम तो सही है पर पानी बहुत भरा हुआ है ना, पानी रोड है। मैडम बता रही है थोड़ा लाइट भी है, खंबे आए हैं अंदर, अभी खंबे पे लाइट नहीं है लेकिन आगे काम चल रहा है, हो जाएगा।